Hey, what's up, people? Welcome to a vlog. And आज हम जा रहे हैं वापस ट्रैक करने. हम कहाँ जा रहे हैं मेरे को भी आइडिया नहीं है. अक्षत ने प्लान बनाया और अक्षत जो कि कल ही पावना लेक जाके आया है. आप ब्लॉग देखोगे रेडी है. What's up, अक्षत? तो अक्षत कल ही जाके पावना लेक आया एंड वापस से जा रहा है. वो मेरे लिए जा रहा है क्योंकि कल उस दिन मैं नहीं आ पाया था और मैं अकेला पड़ गया था. निर्भय के बिना मजा नहीं आता है. ये तो अभी हम फिलहाल अमित का वेट कर रहे हैं जो कि आज नहीं आने वाला था एंड सडनली उसका कॉल आता है कि मैं आ रहा हूँ तो हम लोग को लेट करा रहे हैं. ठीक है, क्या क्या ले रहे अक्षर? तो तूने जितना भी कुकिंग का सामान दिया था मुझे सब सपेला वगैरह सब कुछ इसमें एंड टेंट है जो आपको पता है. ये टेंट है हमेशा हमारे राम प्यारे के लिए. और तूने लाइट लेके आया? लाइट लाइट कौन सी? टॉर्च. टॉर्च? हाँ टॉर्च है. बैटरी लेनी है. अच्छा याद दिलाया. टॉर्च की बैटरी लेनी है और थोड़ा बहुत स्नैक्स. स्नैक्स और हम जैसे और हमेशा चिकन बनाते हैं. चिकन खाएंगे. यो अब चिकन भी लेना है. बहुत लेट हो गया ऐसा लग रहा है बट शायद ठीक है कि ज़्यादा दूर नहीं जा रहे हैं. हम ज़्यादा दूर नहीं. हाँ एक्चुअली लोकेशन कहाँ जा रहे हैं मेरे को भी नहीं पता एग्जैक्टली. तो लास्ट टाइम हम लास्ट टू लास्ट टाइम या उसके भी पहले शायद हम जैसे कलावन दिन गए थे तो उसके बाजू में एक और पहाड़ था जिसका नाम था प्रबलगढ़. सो हम लोग सोचे थे वहाँ जाए क्योंकि वो पास में भी है और अच्छा भी पड़ेगा. तो हम जा रहे हैं प्रबलगढ़ एंड बेसिकली आपको क्या क्या चाहिए रहता है गाइस? अगर आप कैंपिंग कर रहे हैं तो आपके पास कुछ एक नाइफ होना चाहिए फॉर अ सेफ्टी फॉर अ रीज़न एंड कुछ भी हो सकता है. तो एक नाइफ, दो अच्छे खासे टॉर्च एंड बस टेंट और एक हिम्मत चढ़ने के लिए ऊपर. लेट्स गो. और गाइस मैं बताने वाला हूँ जो हमने प्रबलगढ़ बोला था स्टार्टिंग में हम वहाँ नहीं जा रहे हैं. हमने पनवेल आया हम वहाँ पे सडन प्लान चेंज किया. हम जा रहे हैं इर्शालगढ़ उसके थोड़ा ही आगे है वहाँ जा रहे हैं. हमारा ट्रैकिंग अभी से ही चालू हो गया क्योंकि यहाँ पे जो रास्ता है वो अच्छा नहीं है. अक्षत की गाड़ी बैंग हो रहा है पत्थरों से तो हमें चल के जाना पड़ रहा है. गर्मी बहुत ज़्यादा है. 35 डिग्री हो रहा है यहाँ पे और 35 डिग्री में ट्रैक करना मतलब हालत ख़राब होने वाला है. तो ऐसे ही सडन प्लान बनते हैं सडन चेंज भी हो जाते हैं सडन कोई और प्लेस पर आ जाते हैं. हमारे साथ चलता रहता है. तो आज हमारे साथ अतुल ज्वाइन कर रहे हैं. आई थॉट गाड़ी में वो लोग भी होंगे बट ये लोग चल के आ रहे हैं. ये लोग भी सैड. आओ आओ आओ. दो मेन रोड थे ना वैसा एक जॉइंट तो मिल रहा था तो अभी वो जॉइंट तक पहुंचे कि नहीं मालूम नहीं क्योंकि ये रास्ता फिर से. सो गाइस हम कंफ्यूज हो चुके हैं चढ़ना कहाँ से है. ये यहाँ पे चढ़ना है टॉप है एंड ये प्रमोद अपनी स्किन का बहुत केयर करता है तो अभी से ही क्रीम चालू हो गया है. अतुल को अभी से इतना पसीना आ गया. सब रेडी है. अतुल रेडी हो चुका है. अतुल गीला कपड़ा बहुत गर्मी है भाई लोग एंड प्रमोद ने सबने गीला गीला कपड़ा अपने सर पे बांध लो वरना. एंड सिर्फ मैं ही भूल चुका हूँ गीला कपड़ा बाकी मैं मेरे पास है कपड़ा तुझे देना ब्रो फिर अबे गाड़ी का कपड़ा देगा ना साले. एंड अक्षत पहली बार जूता पहन के आया ट्रैक में एंड फाइनली हमारी बहुत टाइम पास कर रहा है भाई. बहुत टाइम हो गया हमने चढ़ना है ये रहा ऊपर वो टॉप. मैं चल रहा हूँ यहाँ से चढ़ना चालू करते हैं सीधा सीधा एक सीधा सीधा देखा रास्ता ही बना हुआ है सीढ़ी जैसा. हाँ यहीं से जाते हैं यहीं से जाते हैं. सो गाइस ट्रैक स्टार्ट हो चुका है. बच रहे हैं दो. देखते हैं कितने बजे पहुँचते हैं. रफली एस्टिमेशन है हमारा 4:30 तक का. ढाई घंटे में पहुँचना चाहिए हमें. गर्मी बहुत ज़्यादा है. कहाँ जा रहे हो भाई? फिर से चीन. तो आराम से आज हमारे सरदार जी भी हमारे साथ हैं. वो 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 कैसा है फिर? हाँ मतलब रुक सकते हैं हम कहीं भी रुक. और राजमाची में बारिश हो रहा था ब्रो. मेन रीजन ये है. कैमरा मैन
सिपाही बुलाए हमें चलना ही, सिपाही बुलाए हमें। अभी हम कंफ्यूज है गाइस, कहाँ कहाँ से जाए। एक ये रास्ता जाता है, एक वो गर्मी जोरों पे है। हम अभी अब गिर चुका है एक बार। माउंटेन दिख नहीं रहा है, अंदाजा से चल रहे हम लोग अपने अंदाजों से। सो ये थोड़ा डिफिकल्ट है, एकदम सीधा है। वो वाला पैर उधर रख, लेफ्ट वाला पैर उधर रख, राइट उधर रख, लेफ्ट उधर रख। हाँ नहीं नहीं गिरेगा, दम लगा। या ओए तेरा पैर इतना भारी है कि पत्थर गिर जाता है। जा जा। सो गाइस ये हमारा फर्स्ट हॉल्ट एंड सबकी हालत कुछ ज्यादा ही खराब है। वहाँ का पानी एंड ये अक्षत रसला दिखने जा रहा है। कच्चा तो मैंने भी देखा था, क्योंकि तो इसलिए इतना पसीना नहीं आता, गर्मी इतना कि इतना पसीना आ रहा है। पाक अभी डायरेक्ट सन गिर रहा है एंड कोई छाव का प्लेस भी नहीं है कि छाए में बैठ सके, धूप में बैठना पड़ रहा है। अब जाके कुछ दिख रहा है तो हमें चढ़ना वहाँ पे। सामान बहुत भारी है तो हम सामान फेंकने वाले हैं अभी, ये बहुत स्टीप है। वो अनतुल ऊपर बैठा है, पानी है भी आराम से। 2 लीटर का पानी फेंका गया और ये पहुंच चुका सेफली। शाबाश। अरे ये भी फेंकेगा गाइस, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अमित को ही हो रहा है। सब ऊपर पहुंच चुके हैं। सामान स्ट्रगल, स्ट्रगल इज रियल। गाइस टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा है, हमें छाँव नहीं मिल रहा है। हम कहाँ बैठे हैं, पेड़ का एक डाली की छाँव आ रहा है, मैं उस पर उसके भरोसे बैठा हूँ। तो गाइस जैसे पता है अमित स्ट्रगल कर रहा है स्टार्टिंग से ही, तो उसको अक्षत हेल्प कर रहा है, तो हम वेट कर रहे हैं। बाकी लोग वो साइड है, पूरा ये पहाड़ी ऐसे है इसलिए इतना स्ट्रगल हो रहा है। अक्षत को देख सकते हो, हाँ बोल। हाँ जा रहा हूँ। निर्भय और अमित नीचे है, मैं यहाँ पर रुका हूँ। प्रमोद और अतुल उस साइड पर है, यहाँ अटका हुआ था, यहाँ पहुँचा। देखो मालूम है बहुत स्टीप है, ये लूज है ना थोड़ा टाइट सब लोग। पंद्रह फीट चढ़ना है, ये लोग चढ़ चुके हैं, मैं बाकी हूँ एंड ऐसे ही हम करते करते आए हैं। सो निर्भय अब चढ़ रहा है धीरे धीरे। अभी तू जो मेरे को बोला था ना राइट में पत्थर है उधर पैर जो टूटा हुआ है उसके राइट में। आराम से सही बोल रहा है। अब जाके टॉप नजर आया, काफी थकने के बाद हमें यहाँ पे आम दिख रहा है, कच्ची कैरी, तो हम वो तोड़ के खाने वाले। फ्लॉप फ्लॉप शॉट, बाहर मार रहा थोड़ा अंदर मार रहा।
और ये पीछे वाला पेड़ है जो आम का पेड़ है, फिर से कुछ नहीं गिरा। हम लोग के सर के ऊपर है आम। अब तो इतनी कोशिश के बाद इतना थके हुए हैं फिर भी। ओ ये यार कटकाटा लग गया। एक ये रहा। हाय अरे भाई गिरे, तुम लोग लग नहीं रहा था। ये कौन गिरा हुआ था यार, कहाँ गया? हाँ ये इधर ही है। वो तो मुटली खा रहा है पूरा। जंगल से तोड़े हुए आम खा रहे हैं हम। बना का ट्रैक और बचा है, हमें यहाँ पे जाना है, बट हमें डायरेक्टली नहीं जा सकते क्योंकि बहुत स्टीप है, पूरा घूम के जाना पड़ेगा वहाँ से फिर यहाँ पर, क्योंकि उनकी बोली नहीं निकल रही है। सब हाँ मिल गया, मैं रास्ता आया। वन सेक, सो हम टॉप पे ऑलमोस्ट पहुंच गए, 80% हो गया है। ऐसा लगता है कि आप यहीं पे था, पर ये नहीं था, ऐसे था फिर और नीचे था, फिर ऐसे था फिर नीचे था, नहीं तो आप खुद ही आके देख लेना। तो हमारे टॉप की चढ़ान शुरू हो चुकी है। फटाफट पहुंच गए ऊपर। रास्ता तो है साइड से। गाइस हमें पानी फाइनली मिल गया, क्योंकि हमारे पानी नहीं था। वो भी बोले कि कृपा, ये ऐसा पानी है, ये ऊपर से थोड़ा खराब है, बहुत क्लीन है, ठंडा है, तो भरेंगे ये डेफिनेटली, पानी पियेंगे नहीं शायद, बट इमरजेंसी आया तो बॉइल करके पी। हाँ वो भी है। तो ये सबको पानी मिल के बहुत मजा आ रहा था। ये चार बाल्टी पानी नहा चुका होगा। और अब ऊपर चढ़ना है। निर्वय ने चढ़ान शुरू कर दी है। सनसेट को काफी टाइम है, हमें लगा था उससे जल्दी पहुंच गए हम लोग, सो दैट्स अ गुड लक दिस टाइम। एक दुखद घटना, मेरा चश्मा जो मैंने अपने कॉलर पे लगाया था गिरा एंड मैंने उस पर अपना पैर रख दिया, चश्मा गया मेरा। यहाँ भी खाई। टेंट लगाने की जगह नहीं है, तो शायद हमें नीचे ही टेंट लगाना पड़े। हम एकदम टॉप पे, मतलब एकदम टॉप पे। अक्षर किधर रह गया? स्ट्रगलिंग। तो निर्भय कैसा लग रहा है?
साइड गिरेंगे, बाकी इतना सही है। आई वॉन्ट टेक रिस्क, मैं वापस जा रहा हूँ, उनको और भी वीडियोस बनाना है भाई लोग। गाइस अभी हम लकड़ी ढूंढ रहे हैं, आग जलाएंगे, अंधेरा ऑलमोस्ट होने वाला है। गीला मत तोड़ देना। क्या बात, क्या बात, जियो शेर, इधर से तोड़ना। हाँ ये होता है जंगल में रहने का। क्या बात है, क्या बात है। सो गाइस जैसे बहुत सारी लकड़ी है यहाँ पे, तो मैंने एक दिमाग लगाया, मैंने याद आया कि मेरे पास जो मैंने रुपट्टा बांधा था उसको बांध लेता हूँ और हाथों की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे लकड़ियाँ जली हुई है, पता नहीं जंगल जलाया हुआ है तो पूरा काला काला हो चुका है। 10 मिनट में अंधेरा होने वाला है। अनुभव अक्षत ने वहाँ टेंट लगा दिया हो, एटलीस्ट मैं हूँ उससे 200 मीटर दूर हूँ अक्षत से, तो पता नहीं जंगल में कहाँ पर हो। तो वो जा चुका है एंड काफ़ी मज़ा आया एंड और भी मज़ा आएगा रात को, तो और मज़ा आएगा। हम चिकन बनाने वाले हैं, वो चिकन अभी तक अच्छा होना चाहिए, फ्रोजन चिकन लेके आए थे। जो रूट हमने लिया था वो काफ़ी डिफिकल्ट था, आई मीन वो एक्चुअल रूट नहीं है यहाँ पे आने के लिए, तो इसलिए हमें इतना 4 घंटे लग गए वो भी इतना डिफिकल्टीज के बाद। तो आज का हमारा ये चूल्हा, ये रहा हमारा टेंट एंड यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल मून है, आज फुल मून है एंड ये रहा हमारा चिकन। ये हो ज्यादा दूर नहीं बड़ी, सनसेट हो चुका है। अतुल देखो कितना मैंने काट लिया अभी, अतुल आ रहा काटने। रेडी है हमारा पेस्ट चिकन का, चिकन आज प्रमोद नहीं चिकन बना रहा है, आज अमित चिकन बना रहा है। तो ये जा रहा है मसाला। सो गाइस इट्स मॉर्निंग, 6:18 हो चुके और सनराइज हो जाएगा कुछ टाइम में। तो यहाँ पर रात को हमें हमारे और ट्रैकर फ्रेंड्स मिल गए। हाय ब्रो, क्या चल रहा है? हाँ सो गाइस प्रथमेश और उनके जो फ्रेंड है वो लोग हमसे बहुत ज़्यादा ट्रैकिंग करते रहते हैं। उनका ये कौन सा नंबर का ट्रैक है? ये 48, दैट्स अमेजिंग। हमारा शायद 10वां होगा, 48 तो नहीं। सो प्रथमेश जो है वो इस तरफ से आया था ट्रैक करके और यहाँ से ऊपर आया था। कौन सा डैम है वो? मोरबे डैम से। और हम लोग जो है बहुत ही अलग रास्ते से आए थे जो कि इस तरफ से है, कच्चा रास्ता है। और हम लोग जैसे आपने देखा था झरने के रास्ते से आए थे, वो इसके भी नीचे था। सो हमको लगे 4 घंटे और इनको लगे 1.5 घंटे। हमारा ट्रैक ऐसे ही एडवेंचरस हो गया। और देखो निर्भय भी उठ चुका है। क्या हाल चाल है भाई, कैसा था रात? मुंह क्यों हटा रहा है ऑडियंस से? हाँ जवाब चाहती है जनता। अच्छा था। और प्रमोद और अतुल अभी भी सोए, अभी सब पैक करने का समय आ चुका है। सनराइज हो गया और मैं आ गया हूँ थोड़ा और ऊपर। हमारा कैंप साइट इस तरफ है। ये रहे सभी लोग उठ चुके हैं। घुटने जवाब दे गए।
कल रात को खाना खा के हम थोड़ी देर में सो गए थे क्योंकि बहुत थक चुके थे, तो और अभी उठ रहे हैं, 6:30 हो रहा है अभी। कपड़े काफ़ी गंदे हो चुके हैं, तो और एक्स्ट्रा टी शर्ट लेके नहीं आया, मैं कभी ट्रैक पे इतना गंदा होता नहीं था, बट इस टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया क्योंकि हम स्लिप होके आ रहे थे, कैसे भी आ रहे थे, लकड़ी उठा रहे थे, तो मुझसे प्रॉब्लम हुआ। फिर रात को अच्छी नींद आई, मतलब वन शॉट सोया, फिर डायरेक्ट सुबह उठा क्योंकि थका हुआ था। एंड यहाँ प्रमोद फोटोग्राफी कर रहा है नीचे। Done with camping. हम जा रहे वापस, सारा सामान पैक हो चुका है एंड सन ऊपर आ ही चुका है और वापस से गर्मी लग गया, तो इसमें फटाफट हम निकल रहे हैं। ऑलमोस्ट 8:30 हो चुका है। सो सुबह होते ही काफ़ी सारे लोग टॉपर आ चुके हैं और हम लोग दूसरी साइड से उतर गए, और ये साइड से व्यू अलग ही लग रहा है बहुत। सही है। रास्ता नज़र आ गया। काफ़ी चलना है डैम के लिए। हम लोग सोच रहे कि पीछे के पार्ट पे यहाँ नहाने जाए, अभी पता नहीं प्रथमेश जहाँ ले जाएगा वहाँ जाएंगे सेफ जगह पर। सो, ये दूसरी साइड का बेस विलेज आ चुका है। बहुत ही फटाफट आ गए, 45 मिनट्स में आ गए हम लोग। और अमित अभी भी बोल रहा है कि वो साइड से उतरते, सो अमित जाएगा ऊपर तक फिर उधर से उतरेगा। टाटा। ये लग रहा है कि हम शायद डैम में नहाएंगे थोड़ी देर, क्योंकि जो ट्रैक किया बहुत पसीना आ गया है, थोड़ा फ्रेश होना पड़ेगा नहीं तो गाड़ी में बैठ के बहुत बास मारने वाले सब। ये साइड उतरने के बाद हमें ऑटो रिक्शा मिल चुकी है और अंकल हमें गाड़ी जहाँ पार्क की थी वहाँ तक लेकर जा रहे हैं। बाकी लोग अमित प्रमोद और निर्भय जो है उन लोगों को ड्रॉप कर दिया है मेन रोड पे। मैं और अतुल जा रहे हैं, गाड़ी पिक करेंगे और फिर आ जाएंगे। आ गई गाड़ी। थैंक यू अंकल। बहुत ही बढ़िया रहा। थैंक यू। हम सब सामान निकलते हैं, ऑल पैक्ड। गाड़ी की हालत देखो कितनी गंदी है। अब ये था लोकेशन। तो एक्चुअली हम लोग बहुत ज़्यादा घूम के चले गए ये साइड से, बट ठीक है, मज़ा आ गया।